हफ्ता वसूली का वीडियो स्टेटस पर रखने वाला हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने सिखाया सबक तो वीडियो में हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी माफी। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें पान का ठेला चलाने वाले पर प्रांतीय व्यक्ति से गाली गलौज और मारपीट करते हुए उसका वीडियो बनाने वाले एक स्वयं घोषित भाई को पुलिस ने एक ऐसा यादगार सबक सिखाया तो उसके लिए सारी जिंदगी ही सीख बन गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरी चिंचवड़ इलाके के सांगवी परिसर में रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह एक पान का ठेला चलाते हुए अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तभी इसी इलाके में रहने वाला और खुद को भाई बताने वाला नकुल गायकवाड़ अपने साथी आकाश शिवशरण के साथ दाखिल हुआ और महेंद्र से यह बताने लगा कि मैं यहाँ का भाई हूँ, मुझे 100 रुपए हफ्ता तो देना ही पड़ेगा। इस दौरान नकुल के पिता आकाश, जो नकुल के मित्र थे, आकाश ने अपना मोबाइल फोन निकालकर इस वारदात को रिकॉर्ड किया ताकि उसका स्टेटस बनाकर वो सोशल मीडिया पर वायरल कर सके। इसे देखकर लोगों के मन में उसकी दहशत बने। जब नकुल को यह बात पता चली कि आकाश उसका वीडियो बना रहा है, तब वह बेवजह महिंद्रा को गाली गलौज और पीटने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपने इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाल दिया, जो बड़ी तेजी से वायरल होते हुए पिपरी चिंचवड़ पुलिस के सोशल मीडिया सेल के हाथों लग गया, जिसके बाद पुलिस नकुल और आकाश को ढूंढने लगी। तभी नकुल को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए ऐसी सीख दी जो उसके लिए जिंदगी भर सबक बन गई। पुलिस के हाथों प्रसाद खाने के बाद नकुल ने पुलिस के सामने मोबाइल फोन में अपना वीडियो बनाते हुए माफी मांगी, जिसमें उसने कहा कि अब वह कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तो वही नकुल और आकाश के खिलाफ सांगवी पुलिस ने चोरी और जबरन वसूली की धाराएं लगाते हुए मामला दर्ज किया है, जहां आकाश अभी फरार होने की जानकारी सामने आ रही है। तो पिपरी चिंचवड़ पुलिस की सोशल मीडिया सेल अब उन लोगों पर अपनी नजर बनाए हुए है, जो ऐसी दहशत भरी वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल करते हुए लोगों के दिलों में अपना डर फैलाने के हेतु से वायरल कर रहे हैं। कल सुबह लगभग 9 बजे के आसपास पिंपरे गुरव एरिया, जो हमारे सांगली पुलिस स्टेशन के इसमें आता है, वहां पे एक महेंद्र प्रताप सिंह करके एक आदमी जो पान ठेला चला रहा था, वहां पे दो लड़के गए थे, एक का नाम नकुल गायकवाड़ और दूसरा आकाश शिवशरण था। उन्होंने उससे फिरौती मांगी और फिरौती 100 रुपए देने के बावजूद वो चुप नहीं रहे, उसके दुकान की तोड़फोड़ की और उसके दुकान में जो 6,000 रुपए थे नकदी वो भी लूट ले। इस मामले में हमने तुरंत एक्शन में आके एक सीनियर सीरियस ऑफेंस जो कि जबरन चोरी का है वो उन दोनों के खिलाफ दाखिल किया है और उन दोनों में से नकुल गायकवाड़ जो है वो हमारी हिरासत में है और उसके ऊपर हिरासत में है और उसके ऊपर सीरियस सेक्शन के अंदर हमने बुरा दाखिल किया। ये जो वीडियो है उसका दूसरा जो साथीदार है आकाश शिवशरण वो शूट कर रहा था, उसको भी हमने एक्यूज बनाया है, उसको भी जल्दी में हम कब्जे में लेंगे। और इससे लगता था कि वो जरा इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए और अपने दर्शक दिखाने के लिए उसने ये वीडियो वायरल किया था। और जो दूसरा वीडियो है, जब हमने उसको कब्जे में लिया तो उसके तब्दील के दरमियान उसने माफी मांगनी चाहिए तो हमने वो वीडियो शूट किया है। गायकवाड़ को ताबे में लेने के बाद जब हमने उसका इंट्रोडक्शन किया उसको समझाया तो उसने खुद अपनी गलती मान ली और उसने खुद एक संदेश देने के लिए एक वीडियो शूट करना चाहा, इसलिए हमने वो वीडियो शूट किया है। जी, एक जब जुवेनाइल था जो फर्स्ट एक्टर था नकुल गायकवाड़, वो जब जुवेनाइल था तो उसके खिलाफ एक जानलेवा हमले का मामला दर्ज। कमिश्नर ऑफिस में एक हमारा जो सोशल मीडिया सेल है काफी बड़ा एक्टिव सेल है और वो डेली तौर पे इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस ये सब हम मॉनिटर कर रहे हैं। लगभग रोज हजारों के स्टेटस और इंस्टाग्राम पोस्ट हम मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें अगर कोई अनुचित वीडियो अगर आ जाता है तो उसमें तुरंत ही कार्रवाई हम कर रहे हैं। टपरीवाल्याला मारलं होतं, त्याच्याकडनं पैसे घेतले होते, सांगवी टीव्ही पथकांनी मला योग्य ते भाषेत समजवलं आहे, याच्या पुढे मी काही तसं करणार नाही आणि तुम्हीही काय करू तसं नका। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।